तो ये वहां पर लिखा हुआ है, वचन दिलाते हैं कि आप जीवन भर तन मन धन से संत मत की सेवा करेंगे। ये तन मन धन से संत मत की सेवा क्या है, तो आप सत्संग में जुड़िए, थोड़ा सा ध्यान भजन कीजिए, आपके संपर्क में जो आपके संगी साथी है उनको भी थोड़ा प्रेरित कीजिए। अरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, थोड़ा थोड़ा करने से 10 का लाठी एक का बोझ होता है, तो ऐसे करना है। और इसी करते करते धैर्य पूर्वक और नियम पूर्वक करने से यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है, यही अपनी सेवा है, यही गांव की सेवा, यही समाज की सेवा है। यदि कोई शराबी आदमी शराब पीना नहीं छोड़ता, दाढ़ी तारू पीना नहीं छोड़ता, जुआरी जुआ नहीं छोड़ता है, चोरी करने वाले चोरी नहीं छोड़ते, घुसखोरी करने वाले वो नहीं छोड़ते, भाई हम लोग सत्संग क्यों छोड़ें। तो जगह जगह जिला वार्षिक, अखिल भारतीय, प्रखंड स्तरीय, पंचायत स्तरीय, गाँव के स्तर पर मासिक, साप्ताहिक, त्रिदिवसीय, सप्तदिवसीय, पक्षिक देना व्यास, एक पक्ष का 15 दिन का मासिक, ये सब गुरु महाराज का अद्भुत परंपरा चलाया हुआ। यदि हम इसको करते रहें तो गुरु कृपा से हमको इस मार्ग पर सफलता मिलती जाएगी, और थोड़ा भी मिलेगा तो तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध, थोड़ा भी बहुत होता है। इस तरह से गुरु महाराज कहते हैं जहाँ रहो सत्संग करो। बाबा साहब का जो सत्संग होता था बड़ा निराला होता था, कहा जाता है कि बाबा साहब बैठते थे सत्संग में तो चलते रह जाता था। सत्संगी जो है जहाँ से आए गए सुनते रहे, आते गए जाते गए, पर प्रवचन होता गया। अभी संतों की मौज है, खूब प्रवचन होता था। और कहते हैं कि गुरु महाराज कि बाबा साहब को दिशा मैदान में समय नहीं लगता था, यूँ गए और यूँ आ गए। सुनाते सुनाते जब रात के 12-2 बज जाते थे ना, तो सब अपना अपना रास्ता नाप लेते थे, पर कुछ आदमी थे जो बैठे रह जाते थे, अब बैठे में भी 2-4 थे तो टगने झुकने लगते थे। तब तो बाबा साहब बोलते थे कि अब आप लोग सो रहे हैं तो चलो मैं भी लेटता हूँ, और थोड़ी देर लेट करके और फिर फ्रेश होकर के फिर सत्संग, अखंड सत्संग चालू। जिनके श्रवण समुद्र समान है, जिनका कान समुद्र के समान है, जैसे समुद्र में 1000 प्रकार के नदियों का पानी जाता रहता है पर समुद्र उफान नहीं लेता, यदि समुद्र मर्यादा को लांघ दे तो कोई नहीं रहेंगे, क्योंकि 3 भाग में एक ही भाग धरती, 2 भाग समुद्र है, वो अपने मर्यादा में, पर अत्याचार पापाचार बढ़ते तो कभी कभी कहा जाता है कि समुद्र भी मर्यादा को लांघते हैं, या प्रकृति को हम परेशान करते तो प्रकृति भी हमको लेकर के डूब जाती है, ये बात अलग है, परंतु मर्यादित है समुद्र। तो जिस तरह समुद्र में नदी नाला का पानी भरते चला जाता है, उसी तरह जो भक्त निरंतर उस कथा को सत्संग को सुनते रहते हैं, उसके हृदय में उस ईश्वर का वास होता है, उस भगवान का वास होता है। तो ऐसे बाहरी रूप से भी, ये तो खैर अंतर साधना की बात है, शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना भागी, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी ताड़ी लागे। वो तो अंतर ध्वनि होती है जो हमेशा बजती रहती है, तो वो कभी उससे सुरत नहीं छूटता है, पर कथा तो हमेशा नहीं होती है, पर बाबा साहब ऐसे संत हुए जो कथा भी सत्संग भी हमेशा सुनाया करते थे, और गुरु महाराज इसको उदाहरण दिए। परंतु गुरु महाराज ने कृपा करके हमेशा नहीं बोले हैं करने, क्योंकि कोई चीज़ अति सर्वत्र वर्जयत, मतलब कि जो बहुत होता है वो अनपच हो जाता है, कुछ भी चीज़ बहुत खाइए तो गरिष्ठ हो जाता है, पचता नहीं है। कोई जहाँ दिन रात पढ़ते रहे दिमाग क्रैक हो जाएगा और अध्ययन नहीं कर पाएगा, कोई काम ही करते रहे तो काम नहीं कर पाएगा, गाड़ी चलाते रहे गाड़ी खराब हो जाएगी, खुद एक्सीडेंट कर जाएंगे, हर चीज़ का समय सारणी है। इसलिए गुरु महाराज ने एक समय निकाल करके बांट दिए, इतने इतने समय में चले बने तो रोज़ ध्यान करो, दैनिक सत्संग और ध्यान, और विशेष रूप से ध्यान हो तो 5 घंटा,
पर दैनिक जीवन में एक आध घंटा सुबह शाम कर लीजिए। यदि कोई बाबा साहब का नकल करने लगे तो चल नहीं सकता, यदि बोलना चालू करेंगे ना तो बोलते रहेंगे, लेकिन पता चलेगा कि आगे तिरपाल पंडाल के अलावा कोई नहीं है, क्योंकि सबको उतना फुर्सत नहीं है ना। तो संत महापुरुष की मौज थी तो कोई करते थे, परंतु साधारण रूप में ऐसा नहीं होता है। एक जगह सत्संग हो रहा था, एक बाबा महाराज आए, मंच पर आँख बंद करके प्रवचन चालू कर दिए। अब जो रटा रटा या बात था वो बोलते गए बड़बड़ा रहे, श्रोता लोग को कुछ नया नया सा लगा, बड़ा कान दे के सुन रहा है। पर जब बाद में किसी को कुछ समझ में नहीं आने लगी ना क्या बोल रहा है, क्योंकि एकदम सरपट बीबीसी लंदन घींच रहे हैं, अब किसी को समझ ही नहीं आया कि कौन सी बाबा महाराज बोल रहे हैं, उनका भी आँख बंद उस पर भी। अब श्रोता को जब नहीं समझ में आया तो घटा घोटी कोई इधर से कोनो गली से निकलते गए। देखते देखते पूरा पंडाल खाली। बड़ी देर के बाद बाबा महाराज आँख खोलते हैं, भाई श्रोता लोग है कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं। अब सुनेंगे तब न सुनेंगे, कोई था ही नहीं। तो देखा कि एक कोने में एक सज्जन बैठे हुए, झट से आरती किया, उसको बुलाए, वे सुनो हमको लगता है कि तुम ही असली श्रद्धालु हो, बाकी सब नकली श्रोता था, देखो बीचे में भाग गया छोड़ करके, असली सत्संगी तो तू ही ना हो जो आरती तक बैठे रहे। तो बोला कि बाबा हम सत्संगी बस संगी नहीं हैं, जल्दी से झोली झंटी समेटिए, हमारा तिरपाल है इसीलिए हम बैठे हैं।